हेलो गाइस, सो रेडमी 5A में MIUI 10 का ग्लोबल स्टेबल रोम रोल आउट कर दिया गया है ऑफिशियली शाओमी वाले की तरफ से। और गाइस, इसी के साथ मैं आपसे बात करूंगा इस वीडियो में कि इसमें आपको क्या कुछ नया देखने को मिला है इस अपडेट में। और गाइस, इसी के साथ मैं आपसे बात करूंगा कि Redmi 4A और Redmi 4 अदर डिवाइस में आपको MIUI 10 की ग्लोबल स्टेबल अपडेट कब देखने को मिलेगा। वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो गाइस, जो Redmi 5A के लिए जो MIUI 10 की ग्लोबल स्टेबल अपडेट है, इसका जो वर्ज़न है 10.1.1.0, जो कि ये रोल आउट कर दिया गया है Xiaomi वाले की तरफ से। और ये जो खबर आ रही है Xiaomi वाले की तरफ से ऑफिशियली आ रही है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें क्या कुछ आपको नया देखने को मिलेगा, और सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये जो अपडेट आया है MIUI 10 का स्टेबल अपडेट, तो इसमें आपको नौगत का अपडेट ही देखने को मिला है। इसमें आपको ओरियो नहीं मिला अभी तक, शायद अगले अपडेट में आपको ओरियो देखने को मिल जाए। तो इसके आगे बढ़ते और बात करते हैं इसके कुछ चेंज लॉक की। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि डिज़ाइन फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस मिल जाता है और काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। इसके बाद नेचुरल साउंड सिस्टम, यहाँ पर आपको चेंज किया गया है साउंड सिस्टम और काफ़ी सारे चेंजेस किए गए, जैसे ड्रिजल बीच साउंड सिस्टम को चेंज किया गया है। और जो इसके बाद क्या किया गया, अदर इम्प्रूवमेंट्स एंड ऑप्टिमाइजेशन, ये क्लॉक ऐप है और नोट्स ऐप है, इनको भी यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। और अगर हम बात करें इसके नए फीचर्स के लिए, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप जाते हैं अपने नोटिफिकेशन बार में जाने के बाद, आपको यहाँ पे स्लाइड अप करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको काफ़ी चेंजेस हो गया है MIUI 9 से, बिल्कुल ही चेंजेस हो गया है और काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है ये। इसके बाद इसमें एक फीचर्स भी है, जिसमें फीचर मैं आपको बता दूँ क्या है। इसमें इसके लिए आपको स्लाइड अप करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको मोर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है मोर पे। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको इतने सारे टॉगल्स आ गए, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जितने भी सारे वाइब्रेट हॉटस्पॉट TNT बटन्स, तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे करके बढ़ा सकते हैं, एक एक करके आपको बढ़ा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर आया इस अपडेट में। MIUI 9 में ये फीचर नहीं था, जबकि इसमें ये फीचर है। इसके बाद क्या कुछ नए फीचर इसमें देखने को मिला है हमें, तो यहाँ पे अगर आप जाओगे क्लॉक ऐप में, तो क्लॉक ऐप में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप कि बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं जो बैग पूरा ऑल है, बिल्कुल ब्लैक कर दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक है और काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। ये स्टॉप वॉच है काफ़ी अच्छा, और ये कैलेंडर ऐप है जो नेचुरल साउंड सिस्टम है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसके बाद क्या कुछ चेंजेस किया गया है, तो वेदर ऐप में भी पूरा चेंजेस कर दिया गया है। वेदर ऐप में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर देख सकते हैं वेदर ऐप काफ़ी बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है, देख सकते हैं आप, और जो है काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है ये वेदर ऐप। तो ये सब कुछ चेंजेस कर दिए गए। इसके बाद क्या कुछ चेंजेस किया गया, तो यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम रोकर दबाते हो और यहाँ पे अगर करते हो टैप नीचे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये जो बार है काफ़ी अच्छा दिख रहा है देखने में। यहाँ पे आप स्लाइड अप कर सकते हो, डाउन कर सकते हो, ये अलार्म का है, ये मीडिया, तो यहाँ पे आप अप एंड डाउन कर सकते हो, और यहाँ पे आप काउंट डाउन लगा सकते हो, साइलेंट DND, तो ये काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है इस अपडेट में। सो गाइस, ये सब कुछ नया आया है इस MIUI 10 के अपडेट में, और भी काफ़ी सारे फीचर्स मैं आपको बताऊँगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आप बताऊँगा कि इसमें क्या कुछ आपको नए फीचर्स मिले हैं। सो गाइस, तब तक के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।